प्रकाश से करूंगा, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट है, एक लंबा दौर पत्रकारिता का उन्होंने देखा है और देख भी रहे हैं। अभिज्ञान क्या कहेंगे आज जो एबीपी गंगा के संवाददाता के साथ हुआ, जिस शख्स ने किया देश के गृह राज्य मंत्री, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, क्या कहना आपका? अंग्रेजी का शब्द है, जानबूझकर यूज कर रहा हूं ताकि सभी लोग तक वो पहुंचे। अनएक्सेप्टेबल, किसी भी सूरत हाल में ये मान्य नहीं है और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। जो बड़े बेसिक पॉइंट्स आपने रखे हैं, बुनियादी सवाल जिनको मैं सालों से अपनी प्रोग्रामिंग में, अपनी एंकरिंग में, अपनी रिपोर्टिंग में कहता आया हूं, बुनियादी सवाल ये आपने रोहित रखा है इस वक्त और अपना कर्तव्य आपने भी निभाया है, वही है जी कि अगर एक जर्नलिस्ट, अगर एक रिपोर्टर, अगर एक पत्रकार सवाल न पूछे तो क्या मौसम का हाल पूछे जी, क्या चाहते हैं? तो ये आज की घटना नहीं है, ये बरसों से होता है। जब झुंझला जाते हैं पॉलिटिशियंस, जब झुंझला जाते हैं नेता, जब परेशान हो जाते हैं नेता सवाल से, तो उनकी प्रतिक्रिया इसी तरह की होती है। जबकि सार्वजनिक जीवन में वो किसी भी राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हो, बीजेपी से लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ये 1% भी मान्य नहीं है। तो आपके और कैमरा बंद कर, इसे बहुत पहले हो चुका है, मतलब इतनी घटनाएं हैं जहां पर पॉलिटिशियंस ने अपनी जबरदस्ती करने की कोशिश की है पत्रकारों के साथ और पत्रकारों को उसी के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल किसी भी लिहाज से जो सर्वोच्च नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, उनको डायरेक्ट नोटिस लेना होगा इसका सीधा, और उसके बाद निर्णय लेना होगा कि वो क्या इस तरह के हालात में करना चाहते हैं। आपको जवाब नहीं देना तो एक बड़ा पुराना तौर तरीका है, बरसों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर हिंदुस्तान तक में अप्लाई होता है कि आप बड़ी विनम्रता के साथ नो कमेंट्स कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते, तू तड़ाक नहीं कर सकते, भाषा की मर्यादा और स्तर नहीं गिरा सकते। इससे साबित होता है कि आपका पत्रकार सही सवाल पूछ रहा था और वो झुंझला गए क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। तो आपके पास ये भी उपलब्ध है कि आप कह दीजिए नो कमेंट्स, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने सोचा पत्रकार है, इसकी क्या हैसियत, हम तो इसको ऐसे ही जवाब देंगे। अनएक्सेप्टेबल, कतई भी किसी भी सूरत हाल में। आपने यहां तक बताया कि उनको अच्छे आचरण के लिए संसद से वो सम्मानित है, किसी भी सूरत हाल में ये माननीय नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी एंगल से इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं निकल सकता जी। बिल्कुल अभिज्ञान, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये देखिए, जो जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, बिल्कुल जो आप शब्द बयां कर रहे थे उसमें वो पीड़ा भी झलक रही थी कि आखिरकार किस क्यों इस तरह का व्यवहार मंत्री जी ने किया, और वो भी एक ऐसे मंत्री ने जिनको सांसद रत्न पुरस्कार मिला हो अच्छे आचरण के लिए। राजपाल कश्यप साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। राजपाल कश्यप साहब, आपका, आपकी प्रतिक्रिया भी हम जानना चाहेंगे, क्या कहना है सर आपका, बताइए जो आज की पूरी घटना हुई। रोहित जी, जो बीजेपी के सांसद रत्न हैं, वो इतनी असंसदीय भाषा बोल रहे हैं, और ये एक बार नहीं बोली है, इसमें सरकार शामिल है। इन्होंने पहले ही किसानों को धमकी दी थी, तब भी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, और केंद्र से लेके बैठे जितने बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने नहीं संज्ञान लिया। उसके बाद में उनके बेटे ने जिस तरीके से कुचल दिया, एक पत्रकार की भी रोहित कश्यप, उसकी कश्यप की हत्या कर दी, तो उसमें भी सरकार बचाने में लगी थी, ना कि सरकार कार्रवाई करने में लगी थी। वो तो फुटेज और सारी चीज़ें आ गई सामने, तो इनकी मजबूरी थी। लेकिन उसके बाद में ये आज जिस तरीके का मंत्री जी ने, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं जिनके ऊपर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है देश की जी, वो ऐसी असंसदीय भाषा और ऐसी गली वाली भाषा, तुच्छ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अगर गृह राज्य मंत्री, तो इनसे बड़ा ये सरकार का घमंड बोल रहा है, सरकार की गुंडागर्दी है। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा ये बीजेपी में गुंडे ही भरे हैं, ADR की रिपोर्ट बताती, सबसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और मंत्री पदों पे हैं।
इनका भी आप पूरा देख लीजिए ना चरित्र। और सरकार ने अभी तक, पहली बात तो इनको बर्खास्त, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं इस्तीफा दिया तो इनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। आज तक सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, एसआईटी की रिपोर्ट में सिद्ध हो गया कि ये पूरा प्री प्लान था, और उसके बाद जो गन मिली, गन में भी पता। तो ये अगर आपके पत्रकार ने सही जवाब पूछ लिया तो ये कौन सी गलती कर दी उन्होंने, मैं देख रहा हूँ सवाल में। अरे आप जवाब जो देना है वो दीजिए, बिल्कुल लेकिन ठीक है राजपाल कश्यप साहब, मैं एक बार आपको रोकूंगा और मैं एक बार फिर से, सत्ता के नशे में चूर है जी, इनका जी बिल्कुल, ये किसी ना किसी चीज का नशा जरूर है, गुरूर है, और किस चीज का है वो ये खुद बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इस वीडियो को मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, इस वीडियो को देखिए, और अभी तक जो तमाम बातें चाहे राजपाल कश्यप साहब ने कही हो, चाहे अभिज्ञान जी ने कही, और जो हम कह रहे हैं, आप एक बार फिर से इस तस्वीर को समझिए ऑडियो समेत, शुरुआत से। आपने सुना फोन बंद करने की कोशिश, जो एक एक बात हम कह रहे हैं, पूछो आप क्या सीट लगे है ना, बात खराब है भाई, भाई से यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। क्या कह रहे भैया, देखिए किस तरह से हाथ उठाने की कोशिश। तो ये तस्वीरें, मैं एक छोटा सा कमेंट अभिज्ञान आपका फिर लेना चाहूंगा, अभिज्ञान मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल आपने हालांकि पहले पूरी बात कह दी, लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि जो इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं, तो चुप्पी भी कई बड़े सवाल खड़े करती है अभिज्ञान। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है रोहित आपका। ऑफ कोर्स चुप्पी जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब आप सियासत में सबके सामने आचरण का, शुचिता का, इन बातों का जिक्र करते हैं, हर बात पर एक मॉरल हाईग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं, हर बात पर ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम सबसे साफ सुथरे हैं, हम सबसे अलग हैं, तो फिर कार्रवाई करके दिखाइए ना। ये तो ये बिल्कुल सही बात है, जब एकदम से सब चुप हो जाते हैं एक मसले पर। मैं तो यहां मैं ये भी पॉइंट आउट कर रहा हूं कि मान लीजिए कभी भी कोई ऐसी घटना होती है, ये बहुत पुरानी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं है, कि मीडिया से नाराज हो जाता है नेता, उसको लगता है कि मीडिया अनफेयर हो रहा है उसके प्रति, ये सब घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी आपका आचरण ये नहीं होता। पॉइंट मेरा ये है कि आपका आचरण ये नहीं हो सकता। एक तो आप जैसे इन्होंने समाजवादी पार्टी के व्यक्ति ने पॉइंट आउट किया, मैं तो उस पर भी नहीं जा रहा हूं कि आप मंत्री हैं या आप पब्लिक लाइफ में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपका आचरण ये नहीं हो सकता। और उसके बाद चुप्पी कि चलो ये तीन आज का दिन चला जाए, ये कहानी पर चलो कल कोई नई हेडलाइन आ जाएगी, कुछ और स्टोरी हो जाएगी, और फिर हम अपना आपस में बात कर लेंगे। नहीं, इसी की वजह से तो लोग इस तरह से बिहेव करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, क्योंकि आपको जब स्टैंड लेना होता है तो स्टैंड लेकर दिखाइए, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी नाराजगी हो, आप आचरण ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, उसको वो संभव नहीं है उसको एक्सेप्ट करना। जी बिल्कुल अभिज्ञान, आप हमारे साथ बने रहे, राजपाल कश्यप साहब आप भी हमारे साथ बने रहे, और आज का ये दिन